नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मैनाक और आप सब देख रहे हैं सपनों के घर का और एक फ्रेश एपिसोड। हम लोग सिविल सेंटर कंसल्टेंट चैनल में रोज लेके आते हैं एक नया नया वीडियो, जिसमें हम लोग देते हैं आपको वास्तु टिप्स और इंजीनियरिंग टिप्स भी देने की कोशिश करते हैं, एंड अलग अलग डायमेंशन के प्लान आपको बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग रोज एक नया नया वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक आपका ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग प्लान के बारे में। तो ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग प्लान है लगभग 1230 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया है, यानी कि बिल्डिंग एरिया है। प्लॉट उससे थोड़ा सा बड़ा है और प्लॉट भी पूरा बैलेंस साइज है, एकदम आपका लगभग 1:1.5 के अंदर उसका लेंथ एंड ब्रेथ है। तो चलिए हम लोग उस प्लान को देखते हैं और डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं आपका एज पर वास्तु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ईस्ट फेसिंग है और नॉर्थ साउथ और वेस्ट तीनों तरफ आपका रोड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट साइड में रोड है और बाकी तीनों साइड में आपका बिल्डिंग है, दूसरा प्लॉट है। तो यहाँ पे एंट्री जो है बिल्डिंग का डायमेंशन पहले देख लेते हैं। 36x40 का आपका यहाँ पे प्लॉट है। यहाँ पे 1 फीट 6 इंच और 1.5 फीट 1.5 फीट आपका लेफ्ट और राइट में, यानी कि आपका साउथ और नॉर्थ में 1.5 फीट 1.5 फीट का छोड़ा गया है और आपका वेस्ट में यानी कि बैक में भी 1.5 फीट करके छोड़ा गया है और आगे भी 1.5 फीट, मतलब चारों तरफ यहाँ पे 1.5 फीट स्पेस छोड़ा गया है। 1.5 फीट एक मिनिमम जो इंसान होता है उनको जाने के लिए 1.5 फीट स्पेस चाहिए। हमारा जो वेट होता है एवरेज ह्यूमन का वो 1.5 फीट होता है, तो 1.5 फीट स्पेस यहाँ पे छोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपका जो गैरेज है वो है आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट में, जो पोर्टिको गैरेज है तो आपका साउथ ईस्ट में। यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। तो साउथ ईस्ट में पोर्टिको होने का मतलब है कि साउथ ईस्ट जो किचन के लिए बेस्ट पोजीशन है, वहां पे किचन नहीं हो पाएगा, तो एक ही पोजीशन किचन के लिए बचता है नॉर्थ वेस्ट। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो पोर्टिको है, 15 फीट 8 इंचेस x 40 फीट 9 इंचेस का यहाँ पे आपका पोर्टिको दिया गया है। यही एक ऑप्शन था, बिकॉज नहीं तो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट बचता, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में दो यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास, तो इसलिए हम लोगों ने साउथ ईस्ट यहाँ पे चूज किया। तो यहाँ पे आपका देखिए कि नॉर्थ ईस्ट इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि वहां पे पूजा रूम हम लोग को देना था, बिकॉज किचन तो हम लोग नॉर्थ वेस्ट में भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्किंग हो गया आपका। पार्किंग के बाद आपका पार्किंग का साइज देखिए, 2 टू व्हीलर आप आराम से पार्क कर सकते हैं। लगभग 16x15 फीट का आपका पार्किंग है, तो 2 टू व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। स्टेयर केस जो नॉर्मल स्टेयर केस है वो दिया गया है आपका, डॉग लेग स्टेयर केस इसको बोलते हैं, नॉर्मल जो आमतौर पर घरों में देखते हैं आप, एक लैंडिंग वाला। और इसमें स्टेयर केस में आपका ऐसा फैसिलिटी है कि जो रेंट पर्पज के लिए आप टॉप वाले फ्लोर को रेंट पर्पज के लिए भी दे सकते हैं, बिकॉज बॉटम वाले फ्लोर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो सेपरेट यूनिट 2 बनाया गया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे डाइनिंग और यहाँ पे लिविंग स्पेस देख सकते हैं। डाइनिंग लगभग 16 फीट x 16 फीट x 17 फीट का आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आपका डाइनिंग कम लिविंग एरिया आपका है। और किचन भी इस आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जो कि सेकेंड पोजिशन है कि एयर एलिमेंट का पोजिशन, तो एक ऐसे ही पोजिशन है आपका साउथ ईस्ट के बाद जहाँ पे हम लोग किचन दे सकते हैं। 8 फीट 6 इंच x 7 फीट 7 इंच का आपका किचन यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं कि किचन से लग के आपका टॉयलेट है, जो बहुत लोग प्रेफर नहीं करते। 4 फीट 10 इंच x 7 फीट 7 इंच का टॉयलेट है, तो टॉयलेट का जो पोजिशन है वेस्ट है, साउथ और वेस्ट में टॉयलेट होता है, टॉयलेट का पोजिशन तो ठीक है। और प्लम्बिंग के हिसाब से भी देखें तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज आपका यहाँ पे टॉयलेट का पाइप भी और किचन का पाइप भी, तीनों पाइप आपका एक डायरेक्शन में आ जाएगा। प्लम्बिंग का खर्चा बहुत कम होगा, जिस बिल्डिंग में आपका एक डायरेक्शन आ गया उस बिल्डिंग में मान लीजिए आपका प्लम्बिंग का खर्चा बहुत कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं कि किचन का मतलब टॉयलेट के साथ अटैचमेंट नहीं हो, तो आप यहाँ पे कुछ सोल्यूशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। जो ये वाला वॉल है आपका किचन और यहाँ पे टॉयलेट के बीच का, एटलीस्ट कुछ पोर्शन जहां तक आपका टॉयलेट पेन है, आप वहां तक आप 10 इंच वॉल कर सकते हैं, तो आपका पानी या कोई सीलन ऐसे इस तरीके की चीजों का कोई चांस नहीं रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और क्योंकि पीछे भी वेंटिलेशन दिया हुआ है, ऐसे टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपका एक प्लान में हर चीज तो परफेक्ट नहीं हो सकता, बट तो ये हम लोग का है प्लान। तो यहाँ पे जो मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम का पोजीशन भी यहाँ पे साउथ वेस्ट में दिया गया है। साउथ वेस्ट जो मास्टर बेडरूम है वहां पे 14 फीट x 12 फीट का यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिया गया है। धनलक्ष्मी का स्थान होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है माइंड को डिसीजन लेने में। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि भले ही आपका बेडरूम का साइज साउथ ईस्ट वाला छोटा हो, बट वो मास्टर बेडरूम होना चाहिए। तो मास्टर बेडरूम के साथ आपका यहाँ पे पीछे देख सकते हैं एक वार्डरोब भी है, हर बेडरूम में होता है, और यहाँ पे एक अटैच्ड
टॉयलेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट, एक किचन, प्लम्बिंग का यहाँ पे अरेंजमेंट मस्त है। मास्टर बेडरूम बेस्ट पोजिशन है वास्तु के हिसाब से, यहाँ पे डाइनिंग और लिविंग के लिए भी काफी यहाँ पे स्पेस है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेपरेट यूनिट है, और यहाँ पे दूसरा जो बेडरूम है वो आपका यहाँ पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में ये दूसरा बेडरूम 11x10 का। यहाँ पे किड्स बेडरूम ईस्ट में बहुत अच्छा होता है पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए वो बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स रह सकते हैं। मास्टर बेडरूम में और बच्चे हैं वहाँ, वो यहाँ पे 11 फीट x 10 फीट में जो रूम है, बेडरूम है, वहाँ पे आराम से अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। तो पूजा रूम भी इसके बगल में ही है आपका, 4 फीट x 10 फीट का लगभग यहाँ पे पूजा रूम है। इसको चाहे तो आप छोटा भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे डोर में या तो ओपन पूजा भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पे पूजा रूम भी आपका ईशान कोण में, यानी कि बेस्ट पोजिशन जो होता है पूजा रूम के लिए, उसी लोकेशन पे आपका पूजा रूम भी है। और एक दूसरा चीज हम लोग देख लेंगे फर्स्ट फ्लोर में हम लोग क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो फर्स्ट फ्लोर में आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर में सेम जैसे नीचे अरेंजमेंट है वही सेम अरेंजमेंट है यहाँ पे, बस फर्स्ट फ्लोर में एक चीज अच्छा, एक चीज आपका सेपरेट है कि आपका एक बेडरूम है जिसमें आप यहाँ पे एक बैल्कनी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे दो यूनिट सेपरेटली होगा तो आप कौन सा यूनिट खरीदना चाहेंगे, ग्राउंड फ्लोर की फर्स्ट फ्लोर? मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर का प्राइस आपका आ रहा है 20 लाख और फर्स्ट फ्लोर का 25 लाख, तब आप कौन सा खरीदना चाहेंगे? ये दो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे टीम को, पूरा टीम मिलके ये प्लान बन पाता है, टीम को प्रोत्साहन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए, और मतलब हम लोग कोशिश भी करेंगे कि 3D में भी आपके लिए वीडियो लेके आए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए लाइक करके। थैंक यू, बाय बाय, और आपका दिन शुभ हो।